देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद अनुष्का पांडे के परिजनों से भी मिले। अभी कुछ माह पूर्व अनुष्का पांडे की नवोदय विद्यालय में हत्या कर दी गई थी। बीते माह पूर्व नवोदय विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा थाना कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड की रहने वाली अनुष्का पांडे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। कैंडल मार्च निकाले गए, नगर में आक्रोश दिखाई दिया। इसी के साथ प्रदेश सरकार की संतुति पर पूरे हत्याकांड की विवेचना करने के लिए CBI को पत्र लिखकर जांच करने के लिए संतुति दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा मामला अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाली प्रियंका गांधी के निर्देश पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद अनुष्का पांडे के घर पहुंचे, जिन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी जुटाई, मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, अनुष्का पांडे को हर हाल में न्याय मिलेगा, आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तब तक इसमें करवाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरा दबाव बनेगा, ऊपर तक नहीं जाऊंगा। पुलिस प्रशासन क्यों इतना मतलब उसमें है दबाव में कि मतलब वो कुछ कहने को तैयार है? जानता सब है, ऐसा नहीं है जानते नहीं, सब जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। हम धरने पे बैठे थे, हम लोगों की बात भी हुई है, पर वो कह रहे हैं इतना दबे, लोगों के हाथ मजबूर है, हमें ऊपर से ऐसी क्या मजबूरी है? ऊपर से आपने अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।